कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के शाम के कारोबारी सत्र में जब मार्केट का एक ही घंटा बचा है मार्केट क्लोज होने के लिए, तब कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे और कम्युनिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ सकता है आने वाले कारोबारी सप्ताह के अंदर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहां पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में आज हमने सुबह के कार्रवाई सत्र में हल्की बढ़त बनती देखी थी कल के मुकाबले, आज भी देख रहे हैं शाम के कार्रवाई सत्र में जो सुबह बढ़त बनी थी वो भी अभी भी कायम है। सुबह को हमने गोल्ड को इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1960 पर ट्रेड करते देखा था, अभी देख रहे हैं $1957 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी $25.9 पर ट्रेड कर रही थी और अभी भी शाम के कार्रवाई सत्र में $25.9 पर ही ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें अभी भी जोरदार तेजी ही देखने को मिल रही है। घरेलू वायदे की बात करें तो घरेलू वायदे में भी जो चांदी है आज 69,000 के ऊपर ही ट्रेड करती नजर आ रही है। इस वक्त 59,383 पर चांदी है और जो गोल्ड है आज MCX गोल्ड वो 52,000 के पार निकला है। तो सोने चांदी की कीमतों में फिर से सेफ हेवन डिमांड देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी पहली बार 24 फरवरी को, जब रशिया ने यूक्रेन पर पहला अटैक किया था, हमला दागा था, तब हमने देखा था अचानक से सभी कम्युनिटीज़ की कीमतों में उछाल देखने को मिला था, खासकर कि वायदा बाजार के अंदर, उनमें से सोने चांदी भी एक थी। सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर के करीब सोने चांदी के जो अपने अपने हाई लेवल्स हैं उनके इर्द गिर्द ही कीमतें घूमती नजर आई थी, लेकिन रिकॉर्ड हाई नहीं लगा पाई थी, वहां पर नहीं पहुंच पाई थी। उसके बाद फिर रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए कई बार बातचीत भी चलती रही, लेकिन वो जो बातचीत का जो दौरा रहा था, जितनी भी मीटिंग्स रही थी वो बेनतीजा रही, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से जो सेफ हेवन डिमांड है वो देखने को मिल रही है। दूसरा, सोने का जो आयात है भारत में भी वो भी ज़्यादा हुआ है, बेस मेटल्स में खपत बढ़ी है और जो सिल्वर है जो चांदी है वो एज अ प्रेशियस मेटल और एज अ बेस मेटल दोनों ही कैटेगरीज में काउंट की जाती है, जिसकी वजह से इसका जो इस्तेमाल है इसका जो दायरा है सोने के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाता है। सोना पहले ही सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता हो, प्रोसेसर्स में यूज़ किया जाता हो, लेकिन जो चांदी है इंडस्ट्री लेवल पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है, मिठाई से लेकर ज्वेलरी तक चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चांदी का जो इंडस्ट्रियल यूज़ है काफ़ी आगे और ज़्यादा आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा और बढ़ सकता है सोने के मुकाबले, जो चांदी है वो अच्छा रिटर्न देती हुई नज़र आ सकती है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $110 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $118 पर, एक एक फीसदी की करेक्शन कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिल रही है। देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में कच्चे तेल में हल्की सी मुनाफा वसूली बनती नज़र आई है, लेकिन कच्चे तेल के जो फंडामेंटल्स अभी हाल फिलहाल में जो देखने को मिल रहे हैं वो मजबूत ही नज़र आ रहे हैं। टेक्निकली बात करिए तो टेक्निकली तो ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती ही बनती है जब भी तेजी आती है, तो ये तो बिजनेस का एक रूल ही है कि अगर तेजी आएगी तो मंदी भी आएगी, लेकिन फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटली भी अभी ये जो क्रूड के जो फंडामेंटल्स बनते नज़र आ रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं अभी उनमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है, अभी और उछाल आ सकता है। जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, युद्ध की स्थिति बनी थी, तब से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ज़्यादातर यूरोपीय देशों ज़्यादातर यूरोपीय देश हैं वो रशिया और यूक्रेन की नेचुरल गैस और क्रूड पर ही निर्भर हैं, तो इसलिए कुछ यूरोपीय देशों ने बोल दिया था कि हम अभी हाल फिलहाल में इमीडिएटली तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन साल 2022 के अंत तक ऐसा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था रशिया के हर एक कारोबार पर। तो इसकी वजह से हमने कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आते हुए देखी थी, कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड $139 तक जाती नज़र आई थी और कल भी हमने कच्चे तेल की कीमतों को $121-$122 तक जाते हुए देखा था। आज देख रहे हैं कि लगभग उसी के आसपास ही लेवल्स हैं, हल्की सी मुनाफा वसूली है ऊपरी स्तर से, लेकिन ओवरऑल रुझान तेजी वाला ही है।
जो क्रूड है वो पूरी इकोनॉमी को रन करता है। ईंधन की कीमतें में जब पेट्रोल डीजल हुआ, जेट फ्यूल हुआ, जितने भी फ्यूल्स होते हैं वो कच्चे तेल से ही बनते हैं, और आवाजाही के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है उसमें जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है, अगर उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो जो खर्चा है कम्युनिटीज़ के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। माल ढुलाई की जो लागत है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और फिर जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको मजबूरन ना चाहते हुए भी दाम बढ़ाने पड़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, माल ढुलाई के, जिसकी वजह से इसका असर कम्युनिटीज़ पर पड़ता है, और कम्युनिटीज़ की जो लागत है उसको निकालने के लिए उसका असर जनता की जेब पर पड़ता है। तो ऐसे में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी को रन करने के लिए। और जिस हिसाब से अभी जानकारों का कहना है कि जिस हिसाब से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं रशिया और यूक्रेन के बीच, ग्लोबली जो महंगाई है वो देखने को मिल रही है, ज़्यादातर देशों में भुखमरी भी देखने को मिल रही है, फूड सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से, इसकी वजह से जो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं अभी उछाल उनमें जारी रह सकता है। किसी किसी रिसर्च एजेंसी ने यहाँ तक कह दिया है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। अभी 120-122 तक तो हम देख चुके हैं, और आने वाले समय में अभी जो कच्चा तेल है वो $15-20 अभी और महंगा होता नज़र आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसका असर भी भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पूरा पूरा पड़ता नज़र आएगा। भारत में हम देख चुके हैं कि भारत सरकार ने 3 दिन तक 80-80 पैसे बढ़ाकर पेट्रोल की जो कीमत है बढ़ा दी है। पहले 80 पैसे हुई थी, फिर 80 पैसे और हुई, ₹1.60 हो गया, फिर 80 पैसे आज फिर बढ़ गया, यानी कि ₹2.40 जो पेट्रोल की कीमत है 3 दिन के अंदर बढ़ चुकी है। बात करेंगे यहाँ से बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर $4.70 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। घरेलू वायदे की बात की जाए तो घरेलू वायदे में मिले जुले रुझान के साथ ही ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। निकल में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, सुबह को निकल डाउन मिलता है तो शाम में चढ़ाव मिलता है, और अगली सुबह फिर देखेंगे कि निकल डाउन हो जाएगा। वहीं पे जानकारों का कहना है कि सबसे अच्छा जो रिटर्न बेस मेटल्स देते नज़र आ सकते हैं अभी से लेकर इन फ्यूचर भविष्य तक, वो रहेगा आपका कॉपर और एल्यूमिनियम। अभी जैसे जैसे आगे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट पर खर्चा बढ़ता रहेगा, इन पर निवेश आता रहेगा, निवेश होता रहेगा, तब तब बेस मेटल्स की जो खपत है वो बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो इसकी वजह से जो सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव बनेंगे, जिससे कीमतों में उछाल आएगा। और चाइना में अभी हम कोरोना देख रहे हैं कि चाइना में फिर से लॉकडाउन लग चुका है, जिसकी वजह से चाइना जो कि पूरे विश्व में बेस मेटल्स का बड़े कंज्यूमर्स में से एक है, तब हम देख रहे हैं कि बड़े चाइना में लॉकडाउन लगने की वजह से वहाँ से जो बेस मेटल्स की जो खपत है वो थोड़ी कम हुई है, तो उसका असर भी हमने बेस मेटल की मार्केट पर पड़ते हुए देखा है। वरना जब तक चाइना में लॉकडाउन नहीं लगाता और रशिया यूक्रेन की युद्ध की स्थिति थी, बेस मेटल्स की कीमतों में जोरदार उछाल रहा था। तो नो डाउट कि बेस मेटल्स में भी ओवरऑल रुझान तेजी वाला ही है, आगे जाके अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज़ की, देखेंगे कि अब एग्री कम्युनिटीज़ में कहाँ कहाँ कमाई के मौके हैं और कम्युनिटी बाजार ओवरऑल कैसा ट्रेड करता नज़र आ रहा है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स से, देख रहे हैं कि ग्वार गम का अप्रैल वायदा 11,434 पर है, 1% की बढ़त है। वहीं ग्वार गम का मई वायदा 11,600 के ऊपर है। ग्वार सीड का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 6100 के ऊपर, 6209 का ही लगा चुका है, और मई वायदा 6200 के ऊपर पहले से ही देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों की कीमतों में अब जाके तेजी देखने को मिल रही है। ग्वार गम ग्वार सीड में हमने ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली के बाद काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड होते हुए देखा है। उसके बाद फिर यहाँ से जब कच्चे तेल की कीमतें उछली थी, रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी के दौरान, कच्चे तेल में तेजी आने के बावजूद भी ग्वार गम ग्वार सीड की कीमतें नहीं बढ़ी थी। कई दिनों तक, कह सकते हैं हफ्ते 10 दिन तक कच्चे तेल की कीमतें तेज रहने के बावजूद भी ग्वार गम ग्वार सीड की जो कीमतें थी एज इट इज़ रही थी। वो इसलिए रही थी क्योंकि रशिया जो कि कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक है पूरे विश्व भर में, उस वहाँ से जो क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग के लिए, यानी कच्चे तेल में जो ड्रिल की जाती है, जब इस्तेमाल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें जो ग्वार का इस्तेमाल होता है उसमें कमी आई थी, यानी कि भारत के ग्वार गम की जो एक्सपोर्ट डिमांड थी वो थोड़ी घट गई थी रशिया की तरफ से।
तो इसलिए ग्वारगम ग्वासीर की जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब जब अमेरिका ने रशियन क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया है और बोल दिया है कि जो अमेरिका है वो अपना ही खुद का कच्चे तेल बढ़ाएगा, कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएगा, प्रोड्यूस करेगा, तो तब से हमने भारतीय ग्वारगम ग्वासीर का जो बाज़ार है वो तेज होते हुए देखा है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया से तो रुक गया था एक्सपोर्ट डिमांड, लेकिन अमेरिका में जो कच्चे तेल के कुएँ हैं वो नए हैं, और नए कुओं में जब जब क्रूड की ड्रिलिंग होती है तब तक ग्वारगम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हुए, जिसकी वजह से ग्वारगम ग्वासीर की जो कीमतें उनमें तेज़ी देखने को मिली। और जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चालू रहती है और अमेरिका में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता है या फिर ऐसी बातें चलती रहती हैं या सप्लाई टाइट रहती है, तब तक ग्वारगम ग्वासीर की जो मार्केट है वो भी ऐसे ही तेज देखने को मिलती रहेगी। और ऊपर से प्रोडक्शन की बात करें अगर भारत में, तो भारत में ग्वार का प्रोडक्शन इस बार पिछले साल के मुकाबले आधा ही बताया जा रहा था। और दूसरा, जो खपत ज़्यादातर ग्वार किसानों ने, व्यापारियों ने स्टॉक करके रखा हुआ है, तो इसलिए भी जो उत्पादन के जो आंकड़े हैं ग्वारगम ग्वार सीड के तो वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना है। और इसका जो यूज़ है बहुत ही सीमित दायरे में किया जाता है, सीमित इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जिसकी वजह से जो बड़े व्यापारी उनके हाथों में इसकी मंदी तेज़ी करना ज़्यादा रहता है। तो अभी भी जो रुझान है ग्वारगम ग्वासीड का वो तेज़ी वाले ही बता रहे हैं जानकार। हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, उनके मुताबिक ग्वार सीड की बात करें अगर, तो ग्वार सीड अभी 6100 के आसपास है, यहाँ पर ग्वार सीड में खरीदारी में रहा जा सकता है। और अप्रैल के अंत तक जो ग्वार सीड है वो 6550 का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगस्त के अंत तक ग्वार सीड अजय केड़े के मुताबिक 8000 का लेवल दिखा सकता है। तो काफ़ी यानी कि लगभग 1900 पॉइंट्स की जो तेज़ी है ग्वार सीड में आगे जाके देखने को मिल सकती है अजय केड़े के मुताबिक, जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल्स बनते नज़र आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बात करेंगे यहाँ से अब कॉटन की, तो M6 कॉटन में हमने 39000 का लेवल आते हुए देखा था, 39000 यानी 39000 के लेवल के बाद फिर हमने कीमतों में नरमी आते हुए देखी थी, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनी थी, उसके बाद जो कीमतें हैं नीचे में 36000 तक गई थी, फिर वहाँ से सबको लग रहा था कि कॉटन में अब जो तेज़ी आनी थी आ चुकी है, अब कॉटन में तेज़ी नहीं आएगी। लेकिन जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और उसकी वजह से जो पॉलिएस्टर की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसका असर कहीं ना कहीं, उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं कॉटन की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया है, जिसकी वजह से कॉटन की कीमतों में फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। उधर CAI कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फिर से अपना कॉटन उत्पादन का अनुमान घटा दिया है, और जो विदेशी बाज़ार हैं, जितने भी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर कॉटन की जो डिमांड लगातार बनी हुई है और एक्सचेंजेस में भी लगातार कॉटन की कीमतों में उछाल ही देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका असर M6 कॉटन की कीमतों पर भी पड़ता नज़र आ रहा है। 40-41,000 की अभी रेंज है, जो कि आगे 42,000 यानी 42,000 तक आगे और बढ़ती नज़र आ सकती है। बात करेंगे यहाँ से बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने तेज़ी बनते हुए देख ली है। बिनौला खल का पर्यावरण वादा देख रहे हैं 3318 पर है 1% की बढ़त के साथ, वहीं मई वादा 3340 पर है 1% की बढ़त के साथ। बिनौला खल जो कि काफ़ी समय से सीमित दायरे में था, हर व्यापारी हर निवेशक को इंतज़ार था कि बिनौला खल अब कब इस लेवल को तोड़ेगा और कब एक बार फिर से अच्छी तेज़ी की ओर जाएगा। तो अब जानकारों का मानना है कि बिनौला खल अब धीरे धीरे तेज़ी की ओर जा रहा है। मार्च अप्रैल में काफ़ी बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है, ऐसा जानकारों का मानना है। बिनौला खल इस छोटी सी अवधि के दौरान ही बड़ी तेज़ी भी दिखा देगा और उसके बाद मंदी भी। तो बिनौला खल में नज़रें बनाए रखने के लिए बोला है जानकारों ने। जो 3400-3500 के जो लेवल्स बताए जा रहे थे बिनौला खल में, 3550 तक के, वो अब एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं बिनौला खल के अंदर। और अगर कीमतें वहाँ पे सस्टेन हो जाती हैं तो उसके आगे के भी जो लेवल्स पहले जानकार बता रहे थे वो भी फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बिनौला खल में भी जो रुझान है वो भी तेजी वाला ही है। कैस्टर की बात करें तो कैस्टर का हम देख रहे हैं कि सीमित दायरे में ही कारोबार है, 7200 से 7300 की रेंज पकड़ रखी है कैस्टर ने, कोई ज़्यादा खास तेजी मंदी बनती नज़र नहीं आ रही है। ऊपरी स्तर पर कैस्टर एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, और अभी जानकारों का यही मानना है कि जो कैस्टर सीड है वो अभी कुछ समय और सीमित दायरे तक ही कारोबार करता रहेगा। लेकिन
जानकारों का यह भी कहना है कि कैसर सीड एक बार अगर वायदा में 7400-7500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आगे 7700-7800 तक के भी जो लेवल्स हैं कैसर में वो भी देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे यहाँ से अब मसालों की। मसालों में देख रहे हैं धनिया का अप्रैल वायदा 10,890 पर है, वहीं मई वायदा 11,000 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। जीरा देख रहे हैं, जीरा एक बार फिर से 21,000 के ऊपर निकला है, 22,000 के करीब है, और हल्दी 8,800 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है, 9,000 के करीब। देख रहे हैं कि मसालों में फिर से यहाँ से तेजी देखने को मिल रही है, छुटपुट खरीदारी मसालों में निचले स्तरों से देखने को मिलती रहती है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्च का महीना चल रहा है और मार्च का महीना जीरा हुआ और धनिया हुआ इनकी आवकों का रहता है, तो ऐसे में अगर उत्पादन कम भी है तो ज़्यादा आवक रहने की वजह से मंडियों में जो भाव हैं अक्सर टूट जाया करते हैं। तो ऐसे में पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी कि जीरा जो है नीचे में 19,000 चला जाए और जो धनिया है नीचे में 9,000-9,200 तक लुढ़क जाए। हल्दी की कीमतों में भी कुछ नरमी दर्ज की जा सकती है, लेकिन जब अराइवल प्रेशर थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा अप्रैल के मध्य तक, मान के चलिए कि 20 अप्रैल तक के आसपास, ऐसा जानकारों का कहना है कि 20 अप्रैल तक मसालों में ऐसी ही उठापटक नरमी वाला रुझान रहेगा, उसके बाद से मसालों में फिर से तेजी बननी शुरू हो जाएगी। तो अगर किसी को मसालों में खरीदारी में रहना है तो निचले स्तर का थोड़ा भी वेट कर लें, इंतज़ार कर लें और फिर निचले स्तरों पर खरीदारी करें और फिर ऊपरी स्तर पर बिकवाली का फ़ायदा उठाएं। तो यहीं से सोयाबीन की बात करेंगे अब। तो सोयाबीन में हमने देख लिया है कि जो कीमतें हैं 7,900 तक गई थी NCDX पर, उसके बाद से मुनाफा वसूली बनी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर US सोयाबीन की बात करें तो US सोयाबीन $1,700 के आसपास ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आज कुछ हल्की सी करेक्शन है लेकिन $1,693 पर ही है, $1,700 की हल्का सा नीचे स्लिप हुआ है, लेकिन ओवरऑल रुझान सोयाबीन में तेजी वाला ही बताया जा रहा है कि सोयाबीन की कीमतों में ओवरऑल रुझान तेजी का ही है। आपको बता दें कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हुआ था, ये मार्केट टाइम सीवी आपको पहले से ही बताता आ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल प्रोडक्शन सोयाबीन का कम रह सकता है। फिर दूसरा, भारत में भी किसानों ने ज़्यादातर सोयाबीन स्टॉक करी थी, जब कीमतें बढ़ गई थी उसके बाद बेचा था, तो ऊपरी स्तरों पर ऊपरी स्तर भी हमने सोयाबीन में बनते हुए देखे हैं, बीच में 7700-7800 तक के जो लेवल्स थे सोयाबीन में वो भी देखने को मिले थे किसी किसी मंडी के अंदर, किसानों ने इन लेवल्स पर भी अपनी सोयाबीन की बिकवाली की है। वहीं किसानों को अब भी उम्मीद है कि जो सोयाबीन है 8,000 के पार जाती नज़र आ सकती है। तो ऐसे में जानकार भी जो हैं वो भी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि जिस हिसाब से खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी है, रशिया और यूक्रेन की युद्ध की वजह से खाद्य तेल की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुई है, पामोलिन और CPO के तेल के दाम बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में इन सब का सपोर्ट सोयाबीन की कीमतों को ज़रूर मिलता नज़र आएगा और सोयाबीन की जो कीमतें हैं आने वाले समय में 8,200-8,300 तक के भी जो लेवल्स हैं वहाँ तक जा सकती हैं, ऐसा अभी जानकारों का कहना है। तो ओवरऑल रुझान सोयाबीन में भी आगे तेजी वाला ही रहने वाला है। तो यह था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि कमोडिटी बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के शाम के कारोबारी सत्र में कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और कहां पर निवेश के मौके हैं। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है, ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।